हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक फिजिक्स। आज हम एटॉमिक फिजिक्स में बात करेंगे पॉजिट्रोनियम एटम की। पॉजिट्रोनियम एटम के बारे में आज हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे अपने हाइड्रोजन एटम से। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। मींस जो मेरा हाइड्रोजन एटम होता है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम। अब हम बात करते हैं कि हमारा पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है। तो पॉजिट्रोनियम एटम जो होता है वो सिमिलर होता है किसकी तरह, हाइड्रोजन एटम की तरह। बस एक डिफरेंस होता है पॉजिट्रोनियम एटम में और हाइड्रोजन एटम में, और वो डिफरेंस होता है इसके न्यूक्लियस में प्रोटोन है। मीन्स हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटोन होता है, जबकि पॉजिट्रोनियम एटम के न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन होता है। मींस जो मेरा पॉजिट्रोनियम एटम है, पॉजिट्रोनियम एटम, इसमें एक क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। ये हमारा पॉजिट्रॉन है E प्लस, और एक होता है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मॉडल होता है वो ये होता है, ये होता है मेरा न्यूक्लियस, इसमें होता है पॉजिट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। मींस यहां पे मेरा क्या था, प्रोटॉन था, यहां पे क्या है, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। मींस जो मेरा पॉजिट्रॉन है वो होता है सिमिलर इलेक्ट्रॉन की तरह, बस चार्ज में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमारा एक एटम बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रोनियम एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रोनियम एटम। पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रोनियम में डिफरेंस है। मींस ये हमारा होता है पॉजिट्रॉन, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और ये होता है मेरा पॉजिट्रोनियम। तो पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम एटम। तो बस यही डिफरेंस था हाइड्रोजन एटम में और पॉजिट्रोनियम एटम में। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और पॉजिट्रोनियम एटम में पॉजिट्रॉन होता है इसमें न्यूक्लियस में। अब हम इनकी एनर्जी क्या होती है, अब हम हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करेंगे इसकी एनर्जी, इसकी रेडियस कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम से, इसकी वेलोसिटी कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम से, और इसका मास कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम से। तो अब हम इसका मास फाइंड करते हैं। ये एक हमारा क्या है, सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम है। मींस एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें पॉजिट्रॉन है। तो अब हम उसका मास फाइंड करते हैं और देखते हैं इसका मास क्या होता है। तो इसका मास हम फाइंड करते हैं, पॉजिट्रोनियम एटम का रिड्यूस मास निकालते हैं। तो रिड्यूस मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एम वन प्लस 1 अपॉन एम टू। ये हमारा रिड्यूस मास का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम मास लिखते हैं किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा, एम ई। अब हम लिखते हैं मास ऑफ पॉजिट्रॉन ई प्लस, ये होगा हमारे पास एम पी, सही है। अब इन दोनों के मास कैसे हैं, इन दोनों के मास क्या है, सेम है। मींस जो मेरा एम ई, इसका जो मास है, ये हमारा मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इसको हम बोलेंगे एम ई। तो ये भी किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये मास में कैसा होता है, सेम होता है। पॉजिट्रॉन मास में सब कुछ सेम होता है, बस साइन क्या होता है, इसका चार्ज का अपोजिट होता है। चार्ज भी इस पे क्या होता है, सेम लेकिन अपोजिट। तो इसका जो मास होगा वो भी कितना होगा, एम ई।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 1/μ = 1/me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1/मास ऑफ पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन का मास कितना है हमारे पास me, तो ये हो जाएगा 1/me प्लस 1/me और 1/μ, तो ये कितना हो जाएगा 1/μ = 2/me, तो ये हो जाएगा μ = me/2। तो ये क्या आ गया मेरे पास पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रोनियम का क्या आ गया, रिड्यूस मास आ गया। तो रिड्यूस मास क्या है पॉजिट्रोनियम का, μ = me/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के कैसा होता है ये, आधा होता है। जो हमारा पॉजिट्रोनियम एटम होता है उसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कैसा होता है, आधा होता है। मीन्स जो हमारा रिड्यूस मास होता है, रिड्यूस मास ऑफ पॉजिट्रोनियम वो कितना होता है μ = me/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के कैसा होता है वो, आधा होता है। अब हम बात करते हैं इसके एनर्जी की, कि इसकी एनर्जी क्या होती है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिख लेते हैं हम। तो अब हम लिख लेंगे किसकी, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें, एन सेल में। तो एन सेल में हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के केस में, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, जो ई एन होता है मेरे पास, ई एन इजिकल टू होता है -R∞HC/n²। ये है मेरा किसमें, nth लेवल में, nth लेवल यानी कि nth लेवल में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। और यहाँ पे जो आर इंफिनिटी होता है इसे हम बोलते हैं रिडवर्ड कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास me^4 8ε₀²h³ × c, ये होता है मेरे पास रिडवर्ड कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास ई एन आ जाएगा, ई एन इजिकल टू -me^4 hc/8ε₀²hc³ × n²। तो इस सी से ये सी कैंसिल, एक एच से ये एक एच कैंसिल, तो ई एन की वैल्यू कितनी आ गई, ई एन इजिकल टू -me^4 8ε₀²hc²ń²। तो ये आ गया मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और ये है मेरे पास रिडबर्ग कांस्टेंट। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, रिडबर्ग कांस्टेंट ये है, और एक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास ये है, इसको हम अभी रफ कर देते हैं। अब हम ये था हाइड्रोजन एटम के केस में, अब हम देखते हैं एनर्जी पॉजिट्रोनियम के केस में। तो पॉजिट्रोनियम के केस में क्या होगा, ये हमारे पास क्या था, ये मास था, ये मास था किसका, ये मास था हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। और पॉजिट्रोनियम के केस में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास ई एन इजिकल टू -μe^4 8ε₀²ń²h²। ये मेरे पास क्या है, ई एन, ये किसके लिए है, पॉजिट्रोनियम के लिए है, यह है मेरे पास पॉजिट्रोनियम के लिए। अब यहां पे म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू कितनी है, रिड्यूस मास कितना है हमारे पास me/2, तो ई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एन आ जाएगा मेरे पास -1/2 बाहर आ जाएगा, me^4 8ε₀²h², और n²। और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और ये थी एनर्जी किसमें, हाइड्रोजन एटम में। तो मैं इसे ई एन एच लिख सकता हूँ, H फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मेरे पास ई एन आ जाएगा
-1/2 ENH यानी कि जो पॉजिट्रोनियम एटम की जो एनर्जी होती है, पॉजिट्रोनियम एटम की जो एनर्जी होती है वो हाफ होती है किसके, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी के। तो यहां से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया है EN इज इक्वल टू 1/2 ENH हमारे पास याद जाएगा। और अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखते हैं तो न्यूमेरिकली क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम में EN इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां हम इसको पुट कर देंगे तो EN ये आ जाएगा कितना, 1/2 -1/2 13.6 upon n square eV ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 6.8। तो EN कितना आ जाएगा मेरे पास, EN आ जाएगा -6.8 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था मेरे पास पॉजिट्रोनियम के लिए, पॉजिट्रोनियम के लिए आया था ये सब, पॉजिट्रोनियम। तो हमने देख, ये किसके लिए था, ये एनर्जी थी मेरे पास हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम। तो मेरी जो पॉजिट्रोनियम की एनर्जी है वो हाफ है किसके, हाइड्रोजन एटम के। अब हम बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की, कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी देखते हैं हम, तो वेलोसिटी लिखने के लिए पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम में क्या होती है। तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन एटम में, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन एटम में वो होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो मास से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। तो हमने देखा हाइड्रोजन एटम के केस में वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो सिमिलर जब यहाँ पे मास कंटेन नहीं हो रहा है तो मेरा पॉजिट्रॉन भी कैसा होगा, पॉजिट्रॉन की वेलोसिटी भी कैसी होगी, मास से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि वो भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी यानी कि पॉजिट्रोनियम की जो वेलोसिटी होगी, पॉजिट्रोनियम की वेलोसिटी हम इसको लिखते हैं वीपी से, पी फॉर पॉजिट्रोनियम, ये किसके इक्वल होगी वीएच के, वीएच मतलब हाइड्रोजन एटम। तो वेलोसिटी क्या होती है पॉजिट्रोनियम और हाइड्रोजन एटम की, सेम होती है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वीएच। तो अब हम देखते हैं इसकी रेडियस की, इसकी रेडियस क्या होती है, पॉजिट्रोनियम में रेडियस क्या होगी और हाइड्रोजन एटम में रेडियस क्या होती है। तो रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है मेरे पास आर एन एच, इसे हम आर एच लिख लेते हैं, रेडियस आर एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है मेरे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये होता है मेरा पास रेडियस, इसके लिए ये रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम में। अब हम देखते हैं पॉजिट्रोनियम में रेडियस क्या होगी, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इस केस में जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इस केस में जो रेडियस आएगी पॉजिट्रोनियम के लिए यहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं रेडियस इसके लिए पॉजिट्रोनियम के लिए, तो ये हो जाएगा आर पी पी फोर पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहां पे मास किसका लेंगे, यहां मास लेंगे रिड्यूस मास, तो म्यू इज इक्वल म्यू पाई जेड ई स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू क्या है, एम ई अपॉन टू, तो आर पी इज इक्वल टू टू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऑप्शन नॉट एम पाई जेड ई स्क्वायर, म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब ये जो फैक्टर है ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये है आर एच के इक्वल, तो आर पी इजिकल टू क्या आ गया, टू आर एच। मतलब जो हमारी रेडियस होती है पॉजिट्रोनियम के केस में वो डबल होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम के। तो आर पी इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, टू आर एच आ गया है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है, हमारे पास म्यू आ गया है, म्यू कितना होता है हमारे पास एम ई अपॉन टू रिड्यूस मास। फिर उसके बाद हमने निकाला था क्या, एनर्जी, एनर्जी कितनी आई थी ईपी, ईपी फॉर पॉजिट्रोनियम के लिए वन अपॉन टू ई एच, एच फॉर हाइड्रोजन। फिर हमने निकाला था वेलोसिटी, वीपी इजिकल टू क्या आया था वी एच। अब हमने निकाली है रेडियस, रेडियस कितनी आ गई आर पी इजिकल टू टू आर एच। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी रेडियस आ गई है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए, कि इसका रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा और इसका रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए इसके लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है वह आर इंफिनिटी इजिकल टू एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, इसको हम आर एच से भी डिनोट कर सकते हैं, तो आर एच इजिकल टू एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी। यह रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन एटम का। अब हम रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे पॉजिट्रोनियम के लिए, तो पॉजिट्रोनियम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट कितना होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट किसके लिए, पॉजिट्रोनियम के लिए तो हो जाएगा आर पी, इसको हम आर पी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, एम ई अपॉन टू, तो आर पी इजिकल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। और ये किसकी वैल्यू है, आर एच की, तो आर पी इजिकल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आर एच। यानी कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है पॉजिट्रोनियम का वो हाफ होता है किसके, हाइड्रोजन एटम के रिडबर्ग कांस्टेंट के। तो यहां से मेरे पास रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया आर पी इजिकल टू 1 अपॉन 2 आर एच। ये वाला आर है रेडियस, यह है मेरे पास रेडियस, और यह है मेरे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हमने हमने मास देख लिया, हमने एनर्जी देख ली, वेलोसिटी देख ली, रेडियस देख लिया और आरपी देख लिया। तो ये हमारे पास क्या था, पॉजिट्रोनियम एटम के लिए मास, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी और रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये था ऑल अबाउट पॉजिट्रोनियम एटम, जो हमने कंपेयर कराया किससे, हाइड्रोजन एटम से। थैंक यू।